गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी मैं कल भी समझाया था। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है? प्रायिकता, संभावना। कितना उस कार्य होने का संभावना है वह उसका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है, मैंने कल भी बताया था कि कोई भी कार्य होने और न होने, होने और न होने के प्रोबेबिलिटी का ऐड योगफल कितना होगा? 1 होगा। एक ही फॉर्मूला ही होता है। मैंने प्रोबेबिलिटी बराबर बार बार मैं बताया कि एक ही फॉर्मूला, कल भी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय सम। सीधे केवल इसमें आपको माइंड केवल लगाना है। फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला नाइन्थ में भी पढ़े। इससे आसान तो कोई मैथ है नहीं, है ना? इसी का फॉर्मूला नाइन्थ में भी पढ़े, इसी का फॉर्मूला टेंथ में भी पढ़ेंगे। केवल समाज का फेर है। प्यारे बच्चों देखिएगा, अब एक में कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि कोई भी कार्य होने और न होने, याद रखिएगा, कोई भी कार्य होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का योग प्लस कितना होगा? तो 1 होगा। और प्यारे बच्चों सेकंड में कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए लीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है, कहता है कि जिसका प्रोबेबिलिटी होगा या जिसका पॉसिबल नहीं है या जिसका प्रोबेबिलिटी नथिंग है, या माने कोई वस्तु जो नहीं है, जीरो है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 0 होगा। और वह क्या, किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी कहलाएगा? तो वह क्या असंभावित परिणाम होगा, असंभावित प्रायिकता होगा, या उसे हम कह सकते हैं क्या चीज, इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा जैसे कह रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और पॉसिबल इवेंट का तीसरा में कह रहा है, सर्टेन इवेंट जिसको कह सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। और वह क्या कहलाएगा? या तो सियोर कहलाएगा या सर्टेन इवेंट कहलाएगा। कुछ भी लिख दीजिए, सर्टेन इवेंट या सियोर इवेंट, कुछ लिख दीजिए, है ना? प्यारे बच्चों एक चीज और कह रहा है, करना ही पड़ेगा, जाओ। एक और कह रहा है, फोर नंबर एक इसी में कह रहा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी, कहता है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, सब को अगर सम करते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट में आपको आया उस सब को अगर सम करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। मैंने बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी जितना आप निकाल लीजिए, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं किसी भी बैग में 2 लाल गेंद, 4 हरा गेंद, 5 पीला गेंद, 6 सफेद गेंद डाल दिया गया, और हरा पीला सफेद सबका प्रोबेबिलिटी निकाल करके
और अगर ऐड करते हैं तो आपका परिणाम क्या होगा, वन आएगा, याद रख लीजिएगा। इसीलिए मैं अगर इसमें वन भर दिया, समझिए क्वेश्चन पहले, प्यारे बच्चों आप पढ़िए क्वेश्चन को, पहले पढ़िए देखिए कि क्या कह रहा है, न पढ़िएगा तो सब गड़बड़ाएगा। फाइव नंबर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी का मान वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, है ना, माने सबसे कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन, समझ सकते हैं कितना के ग्रेटर होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो के बराबर होगा ग्रेटर में, और लेस देन वन, वन से छोटा होगा। बात समझिएगा, मैंने प्रोबेबिलिटी कितना से ज्यादा होगा, जीरो से ज्यादा होगा या जीरो के बराबर होगा, अब कम कितना से होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कम कितना हो सकता है, कितना से कम हो सकता है, वन से कम हो सकता है या वन के बराबर हो सकता है, इसलिए जीरो और वन भरा है। टू नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है कि बताओ कि कौन सा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, कौन में इक्वली आउटकम हो सकता है, जाओ है ना, इक्वली आउटकम कौन में हो सकता है प्यारे बच्चों, समझिएगा। तो मैं देखता हूं कि टू में, टू जो है अब पढ़िए, कहता है कि इक्वली आउट कौन कौन में हो सकता है, जैसे अब ये कह रहा है फर्स्ट में कहता है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, इक्वली इसमें नहीं हो सकता है फर्स्ट में। अगर ड्राइवर गाड़ी को चलाना आरंभ करता है तो या तो गाड़ी चलेगा या न चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो है गाड़ी चला सकता है, अगर गाड़ी चला लेते हैं, अगर स्पॉट ड्राइवर होगा तब ना आगे ले जा सकता है, ना तो गड्ढे में गिरा दे, तो ये इक्वली नहीं है। लेकिन अब फोर नंबर क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे बच्चों, थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ए ट्रायल ऑफ, ट्रायल इज मेड टू एंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द एंसर राइट और रॉन्ग। अरे भैया तुमको ट्रायल करने के लिए कह देगा, दो गो क्वेश्चन है, एक रॉन्ग है, दो ही गो मल्टीपल च्वाइस है, उसमें ए और बी, एक रॉन्ग एक राइट, दो ही गो है मल्टीपल, वगैरह में चुनना है। तो अगर दोनों में जिसमें टिक लगाइए, या तो रॉन्ग होगा नहीं तो राइट होगा, ये तो स्पष्ट है, इसीलिए थ्री राइट है, थ्री सही होगा। प्रश्न अगर दो ही गोग्रा में चुनना रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, एक सही होगा नहीं तो गलत होगा, दो को ही है। अगर आपसे कहा जाए कि दो 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 और तीन, तो ए में रहेगा चार, दूसरा में रहेगा पाँच, तो जोन में लगाएंगे या तो दो में लगाएंगे तो सही होगा, अब पहला में लगाएंगे तो गलत है, ये गलत या सही, ये दुए को हो सकता है, कोई संभावना एक में नहीं है, सही है 50-50%। उसी तरह से प्यारे बच्चों फोर नंबर भी है, ए बेबी बॉर्न इट इज बॉयज या गर्ल, जब लड़की, जब कोई भी बच्चा जन्म होगा तो उसमें दो ही को उसको प्रोबेबिलिटी है, या तो बॉयज होगा नहीं तो गर्ल, द्विगुण हो सकता है जी, जन्म लेने के बाद लड़का हुआ या लड़की हुआ, ठीक है ना।
इस तरह से पैर बढ़ प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कितना आसान है। व्हेन वी टॉस द क्वाइंस द आउट है ना, कम आउट हैंड एंड टेल और इक्वली लाइक सो द रिजल्ट आर इंडिविजुअल क्वाइंस टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिकेटेबल है ना। कहता है थ्री नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों समझिएगा, मैंने कहता है कि अगर टॉस करते हैं क्वाइंस को फुटबॉल अथी में, तो किसका मैंने कोई भी मैच में फुटबॉल के मैच में टॉस करते कि इनका पारी होगा कि इनका, या क्रिकेट में जो टॉस करते हैं तो कौन पॉसिबल है, टॉस वाला क्या पॉसिबल है वह उसमें ठीक होता है। जैसे मान लीजिए कि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, कबड्डी हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल मैच हो, तो किनको पहले चांस देना चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं क्वाइंस को टॉस करते हैं, सिक्का को टॉस करते हैं। अब तो ये न्याय संगत है, बात समझिएगा, क्यों संगत है, क्योंकि सिक्का में दो ही होते हैं, या तो टेल हो न तो हेड हो, यही से आने की संभावना है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए वह एक न्याय संगत बात है, यही तो थ्री में पूछ रहा है। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहे बच्चों पढ़िएगा, अब कहता है कि बताए कि इसमें कौन पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों फोर नंबर क्वेश्चन में कौन पॉसिबल नहीं है, फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। ये मुझे कहना है कि एक है 2/3 और फिर 2/3 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये जो माइनस में प्रोबेबिलिटी किसी का नहीं होता, मैंने कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1 होता है, माइनस में होता है प्रोबेबिलिटी नहीं होता था। ये आपका कैन नॉट पॉसिबल है, कौन बी, और ये 15/50% मैंने 50/100 जीरो से ज़्यादा है और 1 से कम है, ये भी सही है। 0.7 ये भी 0 से ज़्यादा है, ये भी सही है। मैंने कहने का मतलब ये सब पॉसिबल है, संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है, तो वही चुनने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन पढ़िए कि कौन संभव नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा, बी संभव नहीं है। प्यारे बच्चों बी संभव नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.5 डबल है, तो नॉट इवेंट का, पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी आपका देव दिया हुआ रहेगा है ना, कि एक दिया हुआ रहेगा कि प्रोबेबिलिटी इतना है, प्रोबेबिलिटी किसी कार्य के होने के लिए, या आज मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, या आपको क्या चीज़ बैग में लाल पीला गेंद हरा गेंद डाला है, उसको अगर लाल निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको देगा कितना, प्रोबेबिलिटी दे देगा 0.05, तो लाल गेंद ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वही नॉट इवेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो सीधे 1 में से प्यारे बच्चों घटा देंगे, याद रखिएगा इसका तरीका क्या है, सीधे 1 में होने और न होने का योगफल 1 होता है। पढ़ाए थे मैंने, होने और न होने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, न होने की प्रोबेबिलिटी तो 1-0.5, तो कितना हो गया 0.95 हो जाएगा, सेपरेट कर दिए 1 में से। उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन पे आएगा, चुप पढ़िए, एक बैग है, बैग में लेमन फ्लेमन से भरा हुआ है, कौन क्या चीज से भरा हुआ है,
लेमन फ्लेवर से भरा हुआ है। तो अब यह मालूम नहीं कि कितना लेमन फ्लेवर है, तो लिख दिए कि लेट नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर बी एक्स, मान लीजिए एक्स पूरा भरा हुआ। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, ओकरा में से एक को निकाल दिया जाएगा तो ऑरेंज फ्लेवर के निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। क्यों जी का, अरे भैया ओकरा में संतरा डाला हुआ नहीं है, ऑरेंज डाला हुआ नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन पे। अरे बच्चों क्या कर रहे हैं, उसमें संतरा नहीं डाला हुआ है, वो कहेंगे कि निकाल, तो निकलेगा संतरा है ये नहीं, तो उसका नंबर कितना होगा संतरा का, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़ ऑरेंज फ्लेवर है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट बाई सम यही बताया था जो जीरो है संतरा का, इसका जीरो है, जीरो बाई एक्स एक मतलब जीरो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी जीरो होगी। और प्यारे बच्चों, और नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नींबू का फ्लेवर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो भैया एक्स मनबे की है तो नंबर ऑफ इवेंट है ना, नंबर ऑफ इवेंट में कसम तो टोटल जो है लेमने है ये है, तो एक्स बटा एक्स, अरे दोनों सेमन होगा तो कट करके वन होगा, निश्चित आँख बंद करके उसमें बैग में से निकालेगा तो उसमें लेमन फ्लेवर ही निकलेगा, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ना है तो वही ना निकलेगा, स्पष्ट है। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना ईजी है, पढ़िए क्वेश्चन जरूर पढ़िए। अब कहता है कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी 0.,  क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसका बर्थडे जन्मदिवस पहले पहले में जो क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश में समझा रहे हैं तो बहुत भारी नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन एकदम आसान है ना। दो छात्रों के जन्मदिवस सेम होने की प्रायिकता कितना है, कितना प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बुक में, 0.992 यही दिया हुआ है। तो कहता है अच्छा नहीं होने की प्रायिकता देवल है, तो दो स्टूडेंट को सेम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है, अब सेम होने की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या प्यारे बच्चों, सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो क्या करेंगे वन में से सेपरेट करेंगे, मैंने बताया ना कि होने और न होने, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी का ऐड वन होता है, मैंने बताया था, तो उसमें क्या कर दिए, वन माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008 हो जाएगा आंसर, आसान है ना, अरे आसान है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग देख लिए सेवन, क्या मैंने कर दिया, ये जो निकाला मैंने दो सेवन नंबर प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए क्वेश्चन कहा था कि दो छात्रों की स्टूडेंट के जन्मदिवस एक न होने की प्रोबेबिलिटी आपका दिया है, कितना प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.992 बुक लिखिए, तो सेम होने की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए कितना होगा, तो सेम होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.992, तो 0. कितना 0.08 सेपरेट करने के बाद आ जाएगा आपका, हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए तो एट नंबर, तो एट कहता है कि नंबर ऑफ रेड बॉल, प्यारे बच्चों एक बैग में रेड बॉल डाला हुआ है, तीन कितना बॉल है, आपका बैग में तीन है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, क्वेश्चन पढ़िए, पांच है, तो भाई
अब अचानक आंख बंद कर निकाला गया तो नंबर ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो क्या है, आपने पढ़ा था नंबर ऑफ इवेंट बाय सम, तो नंबर ऑफ इवेंट यही ना पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, बट नंबर ऑफ इवेंट रेड बॉल कर रहा था रेड बाय सम, दोनों जोड़ दो तो एट हो जाए, यही ना होगा? अरे क्या नंबर ऑफ इवेंट रेड कर रहा था रेड, अब बता टोटल कितना है, एट है, कौन कौन, थ्री और फाइव, यही ना है? अच्छा नंबर ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड के लिए क्या करेंगे, वन में से सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सीधे फार्मूला याद रखिएगा, वन माइनस थ्री बाई एट इक्वल टू एट माइनस थ्री इक्वल टू फाइव बाई एट हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइव बाई एट। उसी तरह से आपके किताब में देख लीजिए क्या कहता है कि एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक जानते हैं, तो पिगी बैंक में समझिएगा कौन बैंक है, पिगी बैंक, तो पिगी बैंक में 50 पैसा का क्वाइन 100 है, 1 रुपया का क्वाइंस 50 है, 2 रुपया का क्वाइंस सिक्का क्वाइंस सिक्का 20 है, और नंबर ऑफ फाइव माने 5 रुपया का क्वाइंस 10 है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, कितना आसान है प्यारे बच्चों, अगर तुमको कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 पैसे क्वाइंस तो 5 टोटल कितना है, पहले टोटल पहले निकालो कितना क्वाइंस है, टोटल क्वाइंस जोड़ दीजिए 50, 70, 180 180 क्वाइंस है, टोटल 180 क्वाइंस है, तो 50 पैसा के कै वो है, 50 पैसा नहीं कर रहे हैं तो 100 बटा 180, इसे ई वाला काट दीजिए, इसको काटोगे तो कितना 5 और नीचे 9 इक्वल टू 5/9 हो जाएगा, कै पैसा का, अरे कै पैसा का इतना आ गया, 50 पैसा क्वाइंस की प्रोबेबिलिटी आ गई ना, मैंने 100 क्योंकि 100 है 50 पैसा का क्वाइंस, 100/180 टोटल क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय सम, इवेंट बाय सम मैंने टोटल कितना है जो हम फेवरिएबल हम जान रहे हैं, है ना, फेवरिएबल या फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल दो चीज चाह रहे हैं, मैंने चाह रहे हैं 50 पैसा क्वाइंस, तो टोटल आउटकम कितना है 100 और टोटल कितना है, टोटल है 180 तो 9/5/9 आ जाता है। उसी तरह से अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पहले मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़िए, कहता है 2 नंबर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ तो अब एक नंबर कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 पैसे क्वाइंस ये नहीं कहता है, 5 पैसा का क्वाइंस कितना है तो उसका पहले निकाल दो, और नॉट 5 पैसे क्वाइंस है, 5 रुपीज के क्वाइंस, देखिए 5 क्वाइंस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आए जी कितना 5 क्वाइंस पहले निकाल दो प्यारे बच्चों, जितना है देखो 5 रुपीज को क्वाइंस 10 है ना, 10 तो 10/2 कितना हो जाएगा 180 हो जाए। तो कहता है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज क्वाइंस माने 5 रुपया का सिक्का नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, पिगी बैंक को ऐसे से गिराएंगे तो जो 5 पैसा का क्वाइंस 5 रुपया का क्वाइंस नहीं गिरने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से सीधे घटा दो, 1 - 1/18 है, नॉट है इसलिए 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा एलसीएम लेकर के अपना बनाइए प्यारे बच्चों, हम नहीं जानते 18 - 1 17/18 हो जाएगा, है ना। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको टोटल बना देना है। 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है,
30 नंबर एक डैश है, डैश मतलब लूडो का पासा, लूडो का होता है ना पासा, उसमें 6 नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर मतलब परमेशन प्राइम नंबर समझ सकते हैं। तो प्राइम नंबर जो है रूढ़ संख्या तो कौन कौन होता है 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने ऐसे लूडो करें तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैंने 2 3 5 में से कोई है तो कितना टोटल नंबर है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू 3/6 है ना। वो जी रूढ़ संख्याओं की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर कितना है 3 है, तो 3/6 समझ में आ रहा है, 3/6 मैंने टोटल, तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो 1/3 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। अच्छा अब कहता है कि किसके किसके बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच की संख्या कौन है 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल क्या हो गया 1 2 3 3/6, टोटल तो 6 है ना, परिणाम आ रहा है पहले बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जो है बनाते चल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो कहता है ओड नंबर, ओड नंबर माने अभाज्य संख्या, अरे होता ओड नंबर माने विषम संख्या, विषम संख्या पहले बच्चों, तो ओड नंबर विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या कौन हो गया 1 3, ओड नंबर कौन 1 3 5, तो ओड नंबर की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इक्वल टू टोटल 3 है तो 3/6 काट देंगे तो यू 1/2 हो जाएगा 1/2। इस तरह से प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे और बना देंगे। थैंक यू।